हेलो दोस्तों, डी टेक डब्ल्यू चैनल में आपका स्वागत है। ओप्पो ने F19 प्रो और F19 प्रो प्लस के बाद इसका बेस मॉडल F19 लॉन्च कर दिया है और इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 18,990 रखी गई है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इस प्राइस में इसके फीचर्स फ़ोन को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ़ोन में 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा और डिस्प्ले की ब्राइटनेस 430 निट्स तक मिलेगी। ये पीक में 600 निट्स तक जा सकती है, यानी कि धूप में भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी रहेगी। लेकिन आप लोग सिर्फ अच्छा डिस्प्ले देकर फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो इस फ़ोन से कम प्राइस में भी काफ़ी सारे फ़ोन्स मिल जाएंगे जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जैसे गैलेक्सी F41, रेडमी नोट 10, रियलमी 8, गैलेक्सी M31। इस फ़ोन की सबसे खास बात है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। इसके बावजूद इसका वेट 175 ग्राम है। ये फ़ोन लाइट वेट होने के अलावा काफ़ी स्लीक भी है। बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें 33 वाट की फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इमरजेंसी के दौरान 5 मिनट की चार्जिंग में 5 घंटे का बैकअप ले सकते हैं और 30 मिनट में 54% तक बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कंपनी दावा कर रही है। इस प्राइस रेंज में फ़ोन में जो सबसे डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है वो इसका स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर है, क्योंकि ये प्रोसेसर अभी 10,000 के फ़ोन में भी मिल रहा है। जबकि इस प्राइस में हमें स्नैपड्रैगन 720G, 730G, 732G प्रोसेसर वाले फ़ोन मिल जाएंगे। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी के समय में इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन पोको X3 प्रो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओप्पो F19 डे टू डे लाइफ में फ़ोन को यूज नहीं कर सकते। जनरल यूज में ये फ़ोन आराम से यूज कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन फ़ोन पर हैवी वर्क या गेम खेलने पर कुछ समय बाद इशू आ सकता है। अब अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का 1.7 अपर्चर के साथ दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। लेकिन इस सेटअप में सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है और 4K वीडियो शूट का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जबकि इस प्राइस में दूसरे कई सारे फोन्स में 4K वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। इन सब के अलावा सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। अदर फीचर की बात करें तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक फीचर, FM मोनो स्पीकर, 3.5mm हेडफोन जैक भी है। इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम, LPDDR4X टाइप और स्टोरेज 128 UFS 2.1 है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कलर OS 11 मिलेगा जो एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा। इसे दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, प्रिज्म ब्लैक और मिडनाइट ब्लू में। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन फीचर्स के अनुसार ओवर द प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी औसत दर्जे का प्रोसेसर यूज किया गया है। आपको इसका रिजल्ट भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा जितना चाहते हैं। कैमरा सेटअप भी कुछ खास नहीं है। इसके अलावा इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं दिया गया है। ओप्पो ने इस फ़ोन पर सबसे ज़्यादा ध्यान इसके डिजाइन और फ़ोन को स्लीक बनाने पर दिया है। इसके अलावा इसकी बैटरी और डिस्प्ले पैनल पर भी ओप्पो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दोस्तों, ये थी कहानी ओप्पो F19 की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।